मलाई चिकन लग रहा है, ये पता नहीं क्या है। और ये पूछो। भाई एक है तंदूरी चिकन और एक है क्या बोलते हैं इसको, वो कबाब है। अच्छा ये कबाब है, और ये इसको क्या बोलते हैं ग्रीन वाले को। यार ये तो बड़े ही कम है। अब नहीं खाना। आपने जो ये मंगा लिया चिकन नॉन वेज प्लेटर प्लूटर, मैंने जो भुर्जी बनाई उसका क्या होगा। तो मैंने इतनी मेहनत से भुर्जी भी बनाई और ऊपर से ये, और भाई चाय और पकौड़े, और साथ में क्रिकेट चला हुआ है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। पनीर पकौड़ा, आलू पकौड़ा, आलू पकौड़े को प्रसिद्ध है पनीर पकौड़ा। और भाई फ्रेंच फ्राइज भी आ गया देखो। तो भाई तुम्हारा भाई बनाने वाला है अब पनीर की भुर्जी। तो मैंने ऑयल डाल लिया इसमें, सरिया का तेल डाला है। तो भाई हिंदी समझ जाया करो यार, ज्यादा मतलब इंग्लिश नहीं चलती हमसे। तो सरिया का तेल डाल दिया है, और हम पहले डालेंगे प्याज, उसके बाद टमाटर डालेंगे क्योंकि प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। तो आप सच सच बताओ कि आपको पनीर की भुर्जी किसकी टेस्टी लगती है, इतना बता दो। मेरे अपने बेटे की। तो कौन बनाता है आप खुद बताओ, जब भी पनीर की भुर्जी बनती है तो कौन बनाता है। मेरा अक्षी बनाता है। और भी सब्जी आती है, मेरे को बनाने की नहीं आती, ये भी आती है। बस आपकी हेल्प कौन करवाता है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा मेरी ईशा करवाती है। क्यों, मैं नहीं करवाता। आप बाहर का काम करते हो ना, बाहर का काम सारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके तो भाई सबसे पहले हमने क्या करना है, प्याज काट लेने। सबसे पहले प्याज को करेंगे क्योंकि इसको भूनते थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, बाकी तो पहले मिक्स ही कर देते थे मम्मा वगैरह। तो देखो आपने डाल लेना बिल्कुल प्याज से, कि आपको भाई तेल के छींटे ना पड़े। तो यहाँ पे दिखाऊंगी कढ़ाई दिखा दो, फिर आपने थोड़ा थोड़ा इसको हल्के से ही जाना है। भाई मेरे को लगभग हो गए हैं 2-3 साल पनीर की भुर्जी बनाते। मैं यहाँ पे भाई पनीर भुर्जी का शेफ बन गया हूँ घर पे, और बाकी अब आपको दिखाते हैं। और भाई जब आपका प्याज का कलर इस कलर को जाएगा थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का, तो आपने फिर टमाटर डाल लेने हैं। तो हमने टमाटर काट लिए हैं, तो टमाटर डालेंगे, तो देखते रहो आप। तो भाई टमाटर डाल लिए, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे फिर ये मिक्स हो जाए पूरा। उसके बाद मसाले दिखाऊंगा मैं आपको, मसाले कैसे डालते हैं। और भाई ये हमने काटे थे 4 प्याज और 6 टमाटर, क्योंकि भाई आधा किलो पनीर लेके आया हूँ, तो आधा किलो पनीर का, आधा किलो पनीर की सब्जी बनानी है। तो उस हिसाब से इतना ही प्याज लगता है और इतना ही टमाटर लगता है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको मसाले कैसे डालते हैं। सबसे पहले भाई आपने डालनी है हल्दी, 1 चम्मच डाल लेना पूरा भर के, और एक और डाल लेना है भर के, क्योंकि भाई पनीर सफ़ेद होता है तो कलर आते हैं उस पर टाइम लगता है। तो आपने गरम मसाले डालने हैं 2 चम्मच, और भाई आपने डालना ये वाला मसाला, भाई इसका नाम मेरे को नहीं पता, बट ये 1/2 चम्मच डालना, क्योंकि ये बहुत कड़वा मसाला होता है, तो इसका 1/2 चम्मच डाल लेते हैं हम। और भाई डालना है नमक। अब नमक तो आप अपने स्वाद अनुसार के हिसाब से डाल लें, मैं तो अभी 2-3 चम्मच डाल रहा हूँ, फिर बाद में सब्जी का टेस्ट देख के फिर डालता हूँ मैं। और भाई इसको मिक्स कर लें बिल्कुल प्यार से। ये देखो भाई हल्दी का कलर आ रहा है ना अब, ये देखो। इसके बाद मैं करता हूँ पनीर डालता हूँ, और इसको थोड़ी देर 5 मिनट तक पकने देते हैं, उसके बाद फिर मैं पनीर डालूँगा, और उसके बाद उसको मैश करेंगे। मैं भाई ऐसे नहीं करता मैश, मेरे पास एक मैशर है, उससे मैं मैश करता हूँ पनीर को, आपको दिखाता हूँ। हाँ ये है, तो उसके साथ ऐसे करके रखा हुआ है नीचे, तो उसके साथ ऐसे मैश करके, ऐसे मैश करके मैं पनीर को मैश करता हूँ। और भाई आप भी सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉग चैनल है, तो आप तू कहाँ सब्जी का दिखा रहा है, मतलब फूड चैनल कहाँ से लेके आया। तो भाई कभी कभी चलता है इतना सा, और ये ब्लॉगिंग टाइप का ही है। मैं सब्जी आती है बनाने, तो मैंने बता दिया आपको, और मेरे को काफ़ी सब्जियाँ आती हैं। आप बोलो तो फूड चैनल भी ले आएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ बनाएंगे, तो बाकी भी देखो ये आप ये। और भाई जब आपका ये मसाला कुछ इस टाइप का हो जाएगा, पनीर भुर्जी का मसाला, तो आपने पनीर को मैश कर देना है। और भाई ये रहा अपना पनीर, पूरा डाल दिया मैंने, और इससे मैश करेंगे इसको, तो आपको दिखाते हैं मैश करने के बाद, मिलते हैं आपको सीधा। देखो भाई पहले इसको कट कर लेना है इसके साथ, जिससे आप सब्जी बना रहे थे, देखो आप ऐसे बिल्कुल स्लाइस स्लाइस टाइप पे, ये देखो भाई। भाई ऐसे मैं क्यों मैश करता हूँ आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि भाई जब हम हाथ से मैश करते हैं तो हाथ में ऑयल सा चिपकता है, वो भाई बहुत इरिटेशन सी होती है, तो इससे अच्छा इससे आप मैश करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और भाई देखो इससे मैश करते हैं फिर, देखो
और देखो भाई पनीर सारा मैश हो गया है, और इसको भाई थोड़ा सा हम इसके साथ छेड़ा लगाएंगे। भाई हम तो छेड़ा बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं क्या बोलते होंगे तुम लोग, बट मैं तो छेड़ा बोलता हूँ भाई। ये देखो इसको थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद पनीर की भुर्जी रेडी होगी बस। तो भाई यहाँ पे पनीर की भुर्जी बन के रेडी होगी, तो आप देखो कैसी बनी है। और भाई जब सारे खाने बैठेंगे ना भुर्जी को, तो आपको रिव्यू बताएंगे कि कैसी बनी है, ठीक है। और भाई आप सोच रहे होंगे कि भुर्जी बनाने में कितना टाइम लगता है, तो भाई कम से कम लगता है 7 से 8 मिनट। भाई मुझे तो इतना ही लगता है, बाकियों का पता नहीं। क्या हुआ माश, क्या हुआ? देख इधर, इधर देख शीशे में देख खुद को, क्या हुआ? ओ यार मार्शल, मार्शल क्या हुआ? क्या हुआ मार्शल? जा पापा के पास, जा पापा निकालेंगे, जा पापा के पास, चलो 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 पापा के पास, चल चल पापा के पास चल। क्या हुआ मार्शल, ये किसने लगाया? किसने लगाया ये? नहीं मेरा बच्चा ले, ले। मैंने निकाला, मेरे पास आ, उसके पास क्यों दाई लगा रहा है तू? है मार्शल, उसके पास क्यों दाई लगा रहा है? मैंने निकाला ना ये। हाँ मेरा बच्चा आ जा, आ जा, आ जा मेरा बच्चा, आ जा आ जा, मैं निकाल लूँ, मेरे पास नहीं आ रहा, फिर से लगा दो, फिर से लगाओ। अच्छा हुआ अब नहीं निकालना, अब नहीं निकालना। ओ यार मार्शल, मार्शल यार सिद्धे पता क्या मंगवाओ, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, पता क्या मंगवाओ सिद्धे, सुनो यार सुनो, घास पकौड़े। तो यहाँ पे देखो गाइस, अभी रात के बजे हैं 9, तो यहाँ पे हमारा अर्बन बार से मंगवा रहे हैं कुछ, नहीं यार चिकन वो मंगवाते हैं, बटर चिकन, कोई नॉन वेज प्लेट है भाई, इस पर क्या है 800 रहा है, क्या 800 है यार नॉन वेज प्लेट, ये क्या चीज होगी, अब इसमें क्या क्या आएगा पूछो फोन करके, नॉन वेज प्लेट ये क्या चीज होगी यार। तो क्या मंगवा फिर, प्लेटर मंगवाए, प्लेटर ये मंगवा लेते हैं ना, इस पे भाई सब चीज जाएंगी, मिक्स बटर चिकन बड़ा कुछ आएगा, मतलब आपको दिखाते हैं अगर मंगवाते हैं तो। भाई सुनो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, भाई आपने जो ये मंगा लिया चिकन नॉन वेज प्लेटर प्लूटर, मैंने जो भुर्जी बनाई उसका क्या होगा? वो सुबह खाएंगे। क्या 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 अच्छा भाई, ये तो गलत बात है, मैंने इतनी मेहनत से भुर्जी भी बनाई और ऊपर से ये चिकन क्या इतना बढ़िया ऑर्डर दे दिया, क्या भुर्जी भुर्जी जैसे पता नहीं क्या बोला है भाई, गजब बेइज्जती हो रही है ये तो मेरी, अब नहीं बनाने वाला मैं भुर्जी, देखते रहो आप। तो भाई अपना ऑर्डर आ चुका है फाइनली, चिकन का नाम सुन सुन के बहुत भूख लगी थी, फाइनली अभी आ गया, क्या फाइनली अभी ऑर्डर आ चुका है, तो कैसी खुशी हो रही है आपको जनाब, बताओ जरा। मलाई चिकन लग रहा है ये, पता नहीं क्या है, और ये भाई एक है तंदूरी चिकन, और एक है क्या बोलते हैं इसको, कबाब है, अच्छा ये कबाब है, और ये इसको क्या बोलते हैं ग्रीन वाले को, ये चिकन हरियाली चिकन, हाँ हरियाली चिकन भाई, और अपनी एक कोल्ड ड्रिंक्स भी है फाइनली। ओ तो गाइस अब करते हैं टेस्ट रिव्यू, देखो भाई यहाँ पे चिकन खत्म हो, हम कोक पीना ही भूल गए, देखो ये देखो भाई यहाँ पे असूर जो बैठे हुए हैं यहाँ पे देखो